अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी। कार्यकर्ताओं ने सिद्धि गणेशपुर सिक्स लेन पर जोरदार स्वागत किया। करीब 12 बजे सांसद मेनका गांधी सिक्स लेन से होकर सिद्धि गणेशपुर के पास पहुंची। कार्यकर्ताओं का उत्साह देख सांसद मेनका गांधी अपने को रोक न सकी और वाहन से उतरकर कड़ी धूप में एक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद किया। सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर में सपा बसपा और कांग्रेस का ब्राह्मण राजनीति से जुड़ा हुआ विवादित कार्टून पोस्ट हुआ वायरल। कार्टून पोस्ट में सपा बसपा और कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण पर किया जा रहा प्रहार। पोस्ट पर भगवान परशुराम का अपमान होने से जुड़े किए जा रहे कमेंट। रमुआ विधायक देवमणि द्विवेदी के अकाउंट से पोस्ट हुआ वायरल। विधायक देवमणि बोले, मेरा अकाउंट किया गया हैक। बोले, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से दी गई मेरी तहरीर पर शुरू की गई जाँच। सुल्तानपुर की जयसिंहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह बसपा पार्टी ज्वाइन के बाद प्रथम जनपद आगमन पर शुभचिंतकों ने सिक्स लेन पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओम प्रकाश सिंह मीरा मणिकपुर ग्राम सभा के मुनव्वर भाई के मार्केट पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने स्वागत किया। पूर्व विधायक ओपी सिंह ने लोगों को आश्वस्त करते हुए उन्हें हर संभव साथ खड़े होने की बात कही। लंबुआ क्षेत्र में चल रहे दुर्गा महोत्सव के बाद दशहरा पर्व पर मूर्तियों के विसर्जन को लेकर एसडीएम वंदना पांडे तथा सीओ सतीश चंद्र शुक्ला ने दोपाप एवं देवाड़ घाट का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी हासिल कर नदी के किनारे गड्ढे बनवाने के लिए जमीन चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दुर्गा पूजा महोत्सव में सजाई गई किसी मूर्ति का विसर्जन नदी में नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्मित किए गए वैकल्पिक गड्ढे में ही किया जाएगा। अमेठी के जैस में त्योहार के मद्देनजर सीईओ तिलोई और थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ किया फ्लैग मार्च और पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे से नजर रखा। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रखा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा में। पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संदीप शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया जोरदार स्वागत। राज्यसभा सांसद संजय सिंह योगी ने सरकार पर बोला हमला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, आम आदमी की सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी 24 घंटे। लखीमपुर घटना पर संजय सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बेटा सरेआम किसानों को गाड़ी से कुचलता है, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। अमेठी पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना पीपलपुर पुलिस द्वारा नशा मुक्त अमेठी अभियान के अंतर्गत 1 किलो 250 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। थाना मोहनगंजवा एसओजी जनपद अमेठी द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 अवैध तमंचे, 1 अर्धनिर्मित तमंचा, 2 जिंदा कारतूस 12 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सुल्तानपुर में क्षेत्राधिकारी, नगर उप जिलाधिकारी, सभी समुदाय के पदाधिकारी गण द्वारा थाना कोतवाली नगर परिसर में आगामी त्योहारों के संबंध में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा सभी लोगों से आपस में मिलकर त्योहार शांति व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति प्रतिमा स्थापित किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर गोमती मित्रों ने साप्ताहिक श्रमदान के दिन बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर घटते जल स्तर के बाद तट पर जमा मिट्टी को लगभग हटाने में सफलता प्राप्त की। युवा मंडल के वरिष्ठ सदस्य रुद्र विश्वदीप बोले, काम मेहनत का है और दुश्वारी भरा है, लेकिन गोमती मित्रों की आस्था के आगे कुछ नहीं। अयोध्या की कैंट थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए गिरोह के 7 सदस्य अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन एक सदस्य फरार चल रहा है। इन सदस्यों के पास से 1,58,000 रुपए नकली नोट बरामद हुए, जिसमें 200 रुपए व 500 रुपए के नकली नोट हैं। ये लोग असली नोट को नकली नोट में स्कैन बनाते थे। एसएसपी शैलेश पांडे ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। कश्मीर में आतंकी हवानियत के बाद अयोध्या के बीकापुर में भी लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समेत अनेक हिंदूवादी संगठनों ने तहसील मुख्यालय पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंक कर अपना जोरदार विरोध दर्ज कराया। उपजिलाधिकारी बीकापुर को सौंपे गए ज्ञापन में भारत सरकार से अपील की है कि सेना को खुली छूट देकर माँ भारती के सपूतों की शहादत का बदला अविलंब लिया जाए। अमेठी में समाजवादी पार्टी का जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित।
महिला सभा का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का फ्री का राशन नहीं चाहिए, समाज में लोगों को शिक्षा, सुरक्षा व नौकरी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने नारी सशक्तिकरण पर हमेशा जोर दिया, महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व महिलाएं मौजूद रहे। अमेठी में पेड़ काटने के मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, जिसमें दोनों पक्षों के कुल मिलाकर आधा दर्जन लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर, जहां पर घायलों का चल रहा है इलाज। संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया कनु गाँव का है मामला। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज